स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आज का दिन खबरों के लिहाज से काफ़ी बेहतर दिख रहा है। बहुत सारी बड़ी खबरें हैं और बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर प्रदीप वैक्सीनेशन वाली है कि अब 18 या उससे ऊपर के किसी भी भारतीय को वैक्सीन मिल जाएगी। 1 मई से ये कार्यक्रम शुरू होगा और इसी के साथ इम्पोर्ट करने की भी मंजूरी दी गई है विदाउट एनी ड्यूटी। और जो बेचारे अदर पूना वाला जी बार बार कह रहे थे पैसे दीजिए प्रोडक्शन बढ़ाना, वो भी क्रेडिट लाइन दे दी गई, तो भारत बायोटेक को भी मिली, यानी सब फ्लड गेट खोल दिया गया, सब लोग लीजिए और करिए वैक्सीनेशन। तो ये बहुत अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि जिस दिक्कत से हम लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं, उसमें यही एक तरीका था जो तेज़ होना चाहिए। देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, लेकिन अगर यही फैसला 15-20 दिन पहले ले लिया जाता तो शायद हम लोग इस स्थिति में नहीं पहुंचते। बहरहाल ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ नज़र डालिए, कल अमरीकी बाज़ार थोड़े ठंडे प्रदर्शन में थे। 2-3 छोटे रीजन्स थे। एक तो टेक शेयरों ने सब मूड ख़राब किया, उसमें से 2 खबरें थी। एक टेस्ला का जो ड्राइवरलेस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ह्यूस्टन में, तो उसकी वजह से थोड़ा मूड ख़राब हुआ कि पता नहीं टेक्नोलॉजी ठीक कार नहीं कर रही है। लेकिन बाद में इलॉन मस्क ने क्लियर किया कि वो इस वजह से नहीं थी कि वो ड्राइवरलेस गाड़ी थी, दूसरे रीजन से एक्सीडेंट हुआ था। तो बाद में टेस्ला का स्टॉक रिकवर भी कर गया। लेकिन बॉन्ड यील्ड कल बढ़ी है, 1.6 चली गई। इस वजह से टेक्नोलॉजी शेयरों में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है टेस्ला के बजाय, और उसका इम्पैक्ट फिर दूसरी तरफ देखने को मिला। बैंक्स में गिरावट देखने को मिली, एनर्जी शेयर्स में गिरावट मिली, तो डाउजोन्स और ब्रॉडर इंडेक्स S&P में भी अच्छी खासी गिरावट आई। तो कल अमरीकी बाजारों में ये कहानी चल रही थी। एशिया की तरफ आइए तो आज चीन में भी थोड़ी देर में 1 और 5 साल की लेंडिंग रेट्स का फैसला होना है। मोटे तौर पर शायद अनचेंज रहेंगे। जापान में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ओसाका के गवर्नर तो वहाँ पे और स्ट्रिक्ट फैसला लेने की बात कह रहे हैं कि वो सेंट्रल से कहेंगे कि यहाँ पे और लॉकडाउन लगाइए करिए, क्योंकि 1220 केस, आप नंबर याद रखिए, 1220 केस वहाँ नए आए, तो इससे चिंता इतनी बढ़ गई है। हमारे 10-10 हज़ार केस एक एक शहर में आते हैं, तो आप सोचिए किस लेवल का मैनेजमेंट और किस तरह की सेंसिटिविटी है वहाँ पे, कि जापान में आज जो 500-600 पॉइंट की गिरावट दिख रही है वो इसीलिए कि कहीं ओसाका और टोक्यो में इस तरीके के स्ट्रिक्ट मेजर्स न लिए जाए। लेकिन इसके बीच में भारतीय बाजारों में अच्छी खबर है। हाँ, 2 चीज़ें और कि एक UK ने रेड लिस्ट में इंडिया को डाल दिया है। इसका मतलब ये होता है कि 10 दिन पहले तक जो व्यक्ति भारत में आया है और वो घूम के कहीं से भी अगर UK जाना चाहेगा तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस होंगे। केवल जो वहाँ के लोग हैं वो अगर यहाँ से गए हैं तो उनको 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद एंट्री मिलेगी और बाकी रोक दिएगी। और यूनाइटेड स्टेट्स ने भी एडवाइजरी जारी की है कि इंडिया में उनके लोग ट्रेवल ना करें, अगर बहुत ज़रूरी है तो डबल वैक्सीनेशन के बाद वो ट्रेवल करें। तो इस परिस्थितियों में प्रदीप, ट्रेड तो भाई आज हमारे तो लॉन्ग का ही बन रहा सारा, आप बताइए कैसे करेंगे? जी हाँ, देखिए ये ट्रैवल एडवाइजरी की जो बात है, मैं कल ही अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनका कहना है कि बहुत गिनती के फॉरेन टूरिस्ट हैं जो भारत में अभी भी हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई नई बात होने वाली है कि नए लोगों का आना रुक जाएगा, ऐसा इसलिए मुझे दिक्कत नहीं लगती। इंक्रीमेंटली आप देखिए, जो आप कह रहे हैं लॉन्ग का ट्रेड बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस लेवल पर भी आज हम रुके हुए हैं वो कोरोना के उन आंकड़ों के बावजूद हैं जो कल 3:30 बजे तक भी हमारे पास थे। तो जो नई बात हुई है वो तो यही हुई है कि अब सबके लिए दरवाज़ा खुल रहा है, सबके लिए वैक्सीन का इंपोर्ट आसान हो जाएगा और एक उम्मीद की जा सकती है कि अब तेज़ रफ्तार से वैक्सीनेशन आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये इंक्रीमेंटली जो कदम उठाया गया है वो बहुत पॉजिटिव है। कल 3:30 बजे से लेकर के आज सुबह तक यही बदलाव हुआ है और अच्छी बात है कि SGX ने बहुत धूम धड़ाका नहीं किया, वरना सारा मुनाफा वो लोग खा जाते हैं, तेज़ी भी कर लेते हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं। तो हमारे पास ज़रूर मौका बनेगा। कल हमने गिरावट भी देख ली है तो हमारा डाउनसाइड भी यहाँ से लिमिटेड नज़र आता है, इसलिए आज पूरी तरह से सारे के सारे बल्लेबाजों के साथ ही चलने की राय है। और आपकी इजाज़त हो तो मैं शुरू करता हूँ कहानी वहीं से जो आपने बताई है। तो पेनेशिया बायोटेक के साथ शुरुआत करेंगे। कल भी ये हमारी टीम में शामिल था और आपको इसने करीब 5% के रिटर्न दिए, लेकिन मुझे लगता है आज ये आपको और ज़बरदस्त रिटर्न देने की तैयारी में है, क्योंकि देखिए हुआ क्या है कि करीब 12 करोड़ लोगों को डोजेस वैक्सीन के अब तक लगाए गए हैं और वो रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी। धीमी इसलिए पड़ गई थी क्योंकि वैक्सीन की शॉर्टेज होने लगी थी जो हमने वैक्सीन बना रखी थी, और इसके लिए अब ये शुरुआत हो रही है कि सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए। और पेनेशिया बायोटेक ऑलरेडी स्पुतनिक वी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हुए हैं, तो जाहिर है कि इनके पास पूरी तैयारी है, टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो ऐसे में आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। और अब जो 50% आप प्राइवेट सेक्टर को सप्लाई कर पाएंगे, हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर पाएंगे, वो रिम्यूनरेटिव दर पे होगा, यानी उसमें मुनाफा बनेगा, मार्जिन बनेगा,
और इसलिए ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और इसी थीम पे ग्लैंड फार्मा को चुना है, वही स्टोरी है, इनके पास भी स्पुतनिक वी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये भी पूरी तैयारी में आपको नजर आ रहे हैं सप्लाई करने की। और नीरज, जैसे कि आप कह रहे थे कि देर आए दुरुस्त आए ये फैसला, क्योंकि देखिए आप इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस आप बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं और मुझे ये समझ में आता है कि हमारा देश मिडिल इनकम कंट्री है, हम गरीब देश नहीं है, हमारे देश में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो वैक्सीन को अफोर्ड कर सकती है। और दूसरी बात, हम मिक्स्ड इकोनॉमी कंट्री हैं, चाहे जितना भी लिबरलाइज हो जाए, तो जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम कर रही है, तो अब गरीबों को 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगती रहेगी सरकार की ओर से 50% और बाकी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये तरीका बिल्कुल हमेशा से कारगर हुआ है हमारे देश में और इस बार भी होगा, इसलिए इस थीम के ऊपर आपको पूरा भरोसा रखना चाहिए। और इसी थीम पे औरोबिंदो फार्मा को चुना है, हालांकि इनकी वैक्सीन अभी तक सामने आई नहीं है, लेकिन इनके पास जो कैपेसिटी है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जून तक इनकी कैपेसिटी में बड़ा एक्सपेंशन होने वाला है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो भी वैक्सीन हमारे देश में आ रही हैं, पहले तो इम्पोर्ट होंगी, उसके बाद अपने देश में बनेंगी, तो ऐसी सभी फार्मा कंपनियां जिनके पास वैक्सीन की कैपेसिटी है, जिनके पास नो हाउ टेक्नोलॉजी है, ट्रेंड लोग हैं जो बना सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे और बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हम इस रफ्तार से तो नहीं चल सकते कि आप 30 लाख डोजेज हर रोज बनाएं, क्योंकि उसमें तो फिर बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। तो ये जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी का फायदा मिलेगा इस कंपनी को आगे आने वाले महीनों में, उसको ध्यान में रखते हुए औरोबिंदो फार्मा पे भी खरीदारी की राय बन रही है। नीरज, बिल्कुल सही कहा कि जिन लोगों को अर्थशास्त्र समझ नहीं आता उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। कल आपको याद होगा हमने अपनी टीम में उन स्टॉक्स रखा था जिसमें दाम कम कर दिए गए थे रेमडेसिविर के, उसके बावजूद वो स्टॉक चलते हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने समझाया था कि वॉल्यूम पे खेलते हैं लोग। तो अगर अर्थशास्त्र को आप अच्छे से समझते हैं तो ही आप बढ़िया राजनीति भी कर पाते हैं। तो ये बात पता नहीं क्यों एक महीने पहले जो होनी चाहिए थी वो अब हो रही, बहरहाल हो गई है, जो अच्छा हुआ है। तो मेरी टीम में जो शुरुआत में हमने रखा है वो सारे स्टॉक्स यही वाले हैं जिनके टाइप हैं या प्रोडक्शन की लाइन पे। कैडिला जाइको डी नाम की इनकी जो दवाएं थर्ड फेज में चल रही है ट्रायल में, और किसी भी समय आपको ये अच्छी न्यूज़ मिलेगी कि उन्होंने अपना टेस्ट पास कर लिया और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा। बड़े पैमाने पे जाइडस की तैयारी है वैक्सीन करने की, 135 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन देनी है तो बहुत सारी कंपनियों को इसमें काम मिलेगा, इसीलिए उन सारे स्टॉक्स को यहाँ पे शामिल किया। तो कैडिला को यहाँ पे रखिए। एस्ट्राजेनेका, चूँकि इनको क्रेडिट लाइन भी दे दी गई है, कुछ इम्पोर्ट्स भी की जाएंगी डोजेस, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग बहुत सारी कंपनियों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका काम एबिट कर रही है, एबिट लैब की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत सारी दवाएं बना सकती हैं, तो अगर आप नहीं बना पाए तो आप वहाँ से लेके आ सकते हैं, तो इससे एस्ट्राजेनेका को फायदा होगा। डॉक्टर रेड्डीज, इनकी जो है स्पुटनिक के साथ टाइप है, 12.5 करोड़ डोज इनको बनानी है और उसकी वजह से हमें लगता है डॉक्टर रेड्डीज को भी फायदा होगा। मजे की बात यह कि जो लोग अभी नहीं बना पा रहे हैं वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूटी ज़ीरो कर दी गई 10% की जो ड्यूटी लग रही थी, तो इसकी वजह से उनको भी बहुत बड़ा फायदा होगा कि अगर इमीडिएटली आपका प्रोडक्शन लाइन रैंप अप नहीं है तो आप इम्पोर्ट करके ला सकते हैं। तो इसीलिए वो तमाम सारी कंपनियां हमने इसमें रखी है। दरअसल मेरे 6 स्टॉक वैसे ही हैं तो मैं 5 बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइड्स फार्मा, इनका भी RDIF के साथ टाइप है, यानी स्पुटनिक के लिए इनको भी काम करना है और डॉक्टर रेड्डीज को तो करना ही करना है। और 5वां स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर, बहुत रेयरली हम लोग इसको इस संदर्भ में चर्चा करते थे, इनका भी टाइप स्पुटनिक के लिए है, ये भी काम करेंगे। तो देखिए 4-5 कंपनी हमने आपको बताई, 5 कंपनी जिनको वैक्सीन का काम करना है और वैक्सीन इस समय एकदम फ्री मार्केट में ओपन है, तो हमें लगता है कि इसमें बहुत फायदा होगा। राज्यों को भी अधिकार अख्तियार दिया जा रहा है कि वो लोग चाहें तो कंपनी से डायरेक्ट ले सकते हैं, इंतजार नहीं करेंगे कि सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड तरीके से इनके पास पहुंचेगी। तो ये सारी कंपनियां जो हमने गिनाई आपको, कैडिला, एस्ट्राजेनेका, डॉक्टर रेड्डीज, स्ट्राइड्स फार्मा और शिल्पा मेडिकेयर, वैक्सीन की खबर पे है, सब में अच्छी तेजी बननी चाहिए। प्रदीप, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि राज्य भी ले सकते हैं, कंपनियां भी ले सकती हैं, इंपोर्ट अगर फुल्ली कर रहे हैं तो उसमें कोई कोटा भी नहीं है, आप सीधे तौर पे लेके मार्केट रेट पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सामने आ रही हैं और ये बहुत ही अच्छी खबर है, और इसके आधार पर मैंने वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट को चुना है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर आपके लिए मौका बनेगा। ये स्टॉक जो करीब 550 के दायरे में हुआ करता था, आज आपको 400 पे मिल रहा है। पिछले कोरोना के समय में जब ये 300 के आसपास आ गया था नीरज, और मैं इसकी बात करता था कि 300, 325, 350 के रेंज में अब इसको लेना चाहिए, तो लोग ये कहते थे कि आप ये समझिए कि अगले साल भर तो अब लोग बाहर का खाना खाएंगे ही नहीं। और हकीकत ये है कि आज जब कोरोना इतना फैला हुआ है, जहां भी आपको होम डिलीवरी में
पिज़्ज़ा मिल रहा है या बर्गर मिल रहा है, लोग मंगा रहे हैं और खा भी रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई हो इस कोरोना की वजह से, और स्टॉक का प्राइस जरूर काफ़ी चेंज हुआ है। और हाँ, सही बात है, मॉल्स बंद हैं जो इनके सबसे अहम रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, स्टोर्स भी बंद हैं अब तो इसकी वजह से आपको ये प्राइस मिल रहा है। तो जब अच्छा वक्त आएगा तो ये प्राइस नहीं मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये गेम चेंजिंग इवेंट है जो हो चुका है, और बाजार हमेशा समय से आगे देखता है। तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जो हम हमेशा कहते हैं कि अच्छे स्टॉक जब कम प्राइस पे मिले उस मौके का फायदा उठाइए, तब ज़्यादा आप रिसर्च करने की जगह ये सोचने की जगह कि ये होगा कि वो होगा, कब आएगा वैक्सीन, कब लगेगी और कब लोग बाहर निकलेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो शायद प्राइस फिर वही होगा जो 2 महीने पहले था। और अगला स्टॉक नज़ारा टेक, जिस पे लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, कल भी इसने एक अच्छा डिप लिया और वहाँ पर एक मौका बनता हुआ हमें फिर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये स्टॉक देखिए हर एक गिरावट में जिस तरह से वॉल्यूम के साथ बाइंग आती है, ये बता रहा है कि लोअर लेवल पर डिमांड बहुत ही अच्छी है, और ये बिल्कुल एक फ्यूचर फोकस्ड स्टॉक है। इस समय तो गेम्स लोग ज़्यादा ही खेल रहे हैं क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है, जैसे मैं आपको पहले भी बताते रहे कि करीब 25-30-35% के CAGR वाली ये इंडस्ट्री है, और 25-30-35% CAGR का मतलब अगर आप समझें तो 25% के CAGR से 3 साल में डबल, 35% के CAGR से 2 साल में डबल, हर 2 साल में, 2 साल में डबल तो 4 साल में 4 गुना, इस रफ्तार से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, और ये कंपनी बहुत ही वेल पोजीशन है इसका फायदा उठाने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये मौका भी चूकना नहीं चाहिए, यहाँ पर भी आपके लिए बाजार का मूड सुधरते ही बहुत तेजी के साथ जिन स्टॉक्स में रफ्तार बनेगी उनको ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं नीरज। बिल्कुल, डिपेंडेबल की बारी है प्रदीप, और मैं अपना डिपेंडेबल शुरू करता हूँ। मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है फाइजर। मुझे ध्यान आता है कि लास्ट वीक जब ट्रंकेटेड वीक था तो हम लोगों ने बुधवार के लिए मंगलवार को एक शो किया था 12:30 बजे, जिसमें मैंने कहा था फाइजर पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वैक्सीन का जो बड़ा काम है इनका वो बहुत फायदेमंद। तब मुझे ये नहीं पता था कि भारत में इंपोर्ट खोलने वाले, लेकिन उसके बाद से स्टॉक ने लगातार, तब शायद 4800-4900 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब देखिए 5300 पर ट्रेड कर रहा, रोज स्टॉक में बढ़त देखने को मिल रही है, और ये लगातार ये स्टॉक यहाँ से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनकी जो वैक्सीन है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट पे बनी हुई है, डिफरेंट फार्मूले पे बनी हुई है, mRNA बोलते हैं उसको, मैसेंजर के थ्रू किया गया, यानी उसमें वो एक मैसेंजर भेजते हैं और वहाँ से फिर प्रोटीन स्पाइक क्रिएट करते हैं और वो आपके लिए इम्यूनिटी डेवलप करती है। ये वैक्सीन बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल है और इसके खिलाफ कहीं कोई आज तक शिकायत नहीं आई कि इसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हों या कहीं पे बंद हों। तो मुझे लगता है कि फाइज़र की जो वैक्सीन है, थोड़ा सा इनके लिए इंडिया में वो वाला इशू था कि कितने टेम्परेचर पर लाएंगे, लेकिन ये हेडक इनका है, इनको कैसे यहाँ बेचना ये तय करेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अब इनके लिए इम्पोर्ट खुल गया है, इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी गई, ज़ीरो कर दी गई है, तो ये बड़ा फ़ायदा है। फाइज़र एक पिल भी डेवलप कर रहा है, उसकी भी टेस्टिंग बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रही है, यानी अभी वैक्सीन के साथ दवा भी बना रहे हैं ये, मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। नीली गोली के लिए मशहूर ये कंपनी अब इस सेगमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है, और एक बूस्टर शॉट भी लेके आ रहे हैं जो 8 नवंबर तक आ जाएगी, क्योंकि जो वैक्सीन आपको लगेगी ये 6-8 महीने के बाद इम्पैक्ट नहीं रहेगा इसका, तो आपको हो सकता है कि एक बूस्टर डोज लेनी पड़े। फाइजर की बूस्टर डोज ऑलमोस्ट तैयार है, तो आप उसके लिए भी तैयार है। तो मुझे लगता है फाइजर एक ऐसा स्टॉक है जिसको हमने इसको डिपेंडेबल में रखा है, बड़ा बाजार इनके लिए खुल रहा है दुनिया भर का, तो फाइजर डिपेंडेबल के तौर पर है। आज के लिए टारगेट 5500 का। ओके, अब देखिए इसमें से मिस्टर डिपेंडेबल तो आपने बता दिया, अब मेरा कैप्टन चॉइस क्या होगा ये इस बात पे निर्भर करेगा नीरज कि आप किस कंपनी की वैक्सीन लगाने की हिमायत करते हैं या खुद लगवाने वाले हैं, वो बताइएगा, उसके हिसाब से मैं अपना स्टॉक तय करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरा डिपेंडेबल, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स स्टॉक पर नजर रखिए, क्योंकि कल ही इसने अपना एक्सपेंशन प्लान घोषित किया है, और मैं देख रहा था इस स्टॉक में काफ़ी डीप करेक्शन आया है। अभी 2 महीने पहले जब बाजार का मूड बहुत अच्छा था, और चूंकि हमें पता है कि रिन्यूएबल ही फ्यूचर है, ऐसा स्टॉक जो इस सेगमेंट में वेल पोजीशन है, जो इसके लिए ग्लास बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है फंड्स की ओर से भी और PMS की ओर से भी। लेकिन मूड बिगड़ा, ट्रेडर्स ने पोजीशन काटी, स्टॉक तेज़ी से नीचे आया। ऐसे स्टॉक जहाँ पे स्टोरी इंटैक्ट है, और अब देखिए कल इन्होंने एक्सपेंशन प्लान सामने ला के रख दिया, तो आप आगे ग्रोथ का प्रोजेक्शन कर सकते हैं। और सोलर पावर के लिए सरकार ने पिछले 6-7 सालों में जितना किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और सेक्टर के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की गई है।
तो ई व्हीकल और सोलर पावर ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम पूरे मोदी रेजिम की है, ये आपको मानना चाहिए। और इस पर इस वक्त मुझे लगता है कि एंट्री पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, इसलिए निवेश के लिहाज से भी अच्छा बनता है और खैर आज ट्रेडिंग के लिहाज से तो बनेगा ही, क्योंकि दोनों तरीके से ये अच्छा स्टॉक है, तो हमने यहाँ पर मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर चुना है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आखिर के चार चार स्टॉक। स्वागत एक बार फिर से आपका, और अब बारी है हमारे फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स की, और फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स में नन अदर देन एसीसी। आज मैंने फ्री हिट पे इसको लिया है, इतना बड़ा स्टॉक है लेकिन क्या सुपर सॉलिड नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, आप किसी भी फ्रंट पे जाके उसको देखेंगे तो बहुत ही शानदार नतीजे कंपनी देखने को मिल रहे हैं। मुनाफे में आप देखिए, सेल्स में आप देखिए, करीब करीब 80 करोड़ टन के वहाँ पे सेल्स रखा है, ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है उसमें बहुत स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला है, आगे का आउटलुक बहुत अच्छा है, मार्जिन में 3-4% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो हर फ्रंट पे बहुत अच्छे नतीजे और वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी भी है, तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखना चाहिए। और अंबुजा जो इन्हीं की ग्रुप की कंपनी है उसमें भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर लीडर्स चलते हैं ना तो फिर जो उसके बाद सेकेंड रन वाले स्टॉक आते हैं, ये अलग ही, अंबुजा बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन उसके नीचे के जितने स्टॉक्स होते हैं फिर वो चलना शुरू करते हैं। इवन मैंने टीम में नहीं रखा लेकिन अल्ट्राटेक भी आपको चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि सीमेंट की डिमांड बहुत है, ये स्टोरी बीसियों बार हम लोगों ने बताई, बहुत सारे स्टॉक्स बताएं आपको कि सीमेंट में तेज़ी, आप जेके सीमेंट देखिए 3,000 रुपये में ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आज सीमेंट दूसरा सेक्टर होगा जो फार्मा के साथ जो राइड करता हुआ आपको दिखेगा, इसलिए अंबुजा और एसीसी में खरीदारी की सलाह होगी। बिल्कुल नीरज, इसी ट्रेंड के साथ हम भी जाएंगे, जब आप दिग्गज सीमेंट कंपनियों पर नजर डाल रहे हैं तो वही असर आपको छोटी सीमेंट कंपनियों पर देखने को मिलेगा। देखिए सांघी इंडस्ट्रीज को इसी वजह से हमने चुना है, ये जो सीमेंट सेक्टर है उसकी खासियत यह है कि ये एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, यानी लिमिटेड कंपनीज का मार्केट है, बड़ी कंपनियां मार्केट मेकर के तौर पर काम करती हैं और छोटी कंपनियां उसके अंदर कारोबार करती हैं, तो जब बड़ी कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है तो छोटी कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा और शायद ज़्यादा ही बढ़ेगा पर कम नहीं, और सांघी ने पिछले क्वार्टर में बहुत शानदार नतीजे घोषित किए थे जिससे लगता है कि ये ऑपरेशनली वेल पोजिशन्ड है। और दूसरा स्टॉक होगा इंडिया सीमेंट, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि राधाकिशन दमानी का भी ये फेवरेट स्टॉक है और उन्होंने बड़ी पोजीशन यहाँ पर ली हुई है, तो ये स्टॉक हमेशा ही आप देखते हैं कि किसी भी तेज़ी में सीमेंट सेक्टर में आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है, शायद यहाँ से आधे लेवल पे था तब से हमारे रडार पे है और हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार सीएनबीसी आवास पे खरीदारी की राय देते आए हैं। तो सांघी इंडस्ट्रीज और इंडिया सीमेंट, ये दो स्टॉक्स आपके सामने मेरी टीम में शामिल होते हुए, आखिर के दो स्टॉक्स बाकी हैं दोनों टीमों के, लेकिन वो एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत एक बार फिर से आपका, और पावर प्लेस के दो स्टॉक्स में दो सीमेंट कंपनियां है, उदयपुर सीमेंट और बिरला कॉर्प, दोनों ही मुझे लगता है कि अच्छी तेजी दिखाएंगी, नॉर्थ बेस्ड कंपनी है। बिरला कॉर्प खास तौर पर अगर आप दिल्ली ऑनवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट कलकत्ता तक जाइए, आपको बहुत तगड़ा इनका मार्केट है और इस स्टॉक ने भी आउट परफॉर्म करके दिखाया है, बहुत तेज़ गति से काम कर रहा है और ख़ासतौर पर नॉर्थ में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर काम और अब सीमेंट की डिमांड बनी हुई है, लेकिन ये सब तो बैकग्राउंडर है, असली कहानी है कि जब ACC के इतने दमदार नतीजे आए तो इन सारी कंपनियों के रिजल्ट्स के लिए भी आपको प्ले करना चाहिए, हमें लगता है कि इन दोनों में अच्छी तेज़ी बनेगी। उदयपुर का 20.70 रुपये में ट्रेड कर रहा, 23 का टारगेट होगा, और बिरला कॉर्प के लिए 1,000 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलाएं। बिल्कुल, तो आप यहाँ पर सीमेंट की थीम के साथ ही बने हुए हैं और इसको कहते हैं सीमेंटिंग द गेन्स, तो जो बढ़त हासिल हो रही है उसको और मजबूत बनाया जाए, और इसके लिए स्टार सीमेंट पर मेरी नज़र है, एक छोटी मिड कैप सीमेंट कंपनी है और यहाँ पर आप देखिए 150 रुपये का लाइफ हाई था, आज आपको ये 2 अंकों में अवेलेबल है, बाजार के साथ साथ आपने यहाँ पे करेक्शन आते हुए देखा है, लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे अक्रॉस द बोर्ड आपको एक रिजल्ट शानदार आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस सेक्टर में ऐसा ही होता है, पूरा का पूरा सेक्टर बेहतर काम करता है। इस सेक्टर में ये नेट लेवल पर डेट फ्री कंपनी है, मतलब सीमेंट अपने आप में ऐसा एक सेक्टर है जिसको कहते हैं कि हैवी कैपिटल डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पे तो कर्ज होता ही बुक्स पे, लेकिन ये कंपनी मुश्किल से 1.5 करोड़ रुपया कुछ इंटरेस्ट के लेवल पे देती है और नेट लेवल पे आप देखिए जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो ये नेट डेट फ्री कंपनी है, जो बड़ा रेयर केस होता है, इस लिहाज से हमें लगता है कि अपने हाई से बड़े करेक्शन के बाद आपको एक अच्छे लेवल पर यहाँ एंट्री मिल रही है। और आखिर में श्री दिग्विजय सीमेंट पर हमारी नज़र है, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे एक मैनेजमेंट टर्न अराउंड हुआ है, जब से अनिल सिंघवी साहब जो एक ज़माने में गुजरात अंबुजा में थे और आज आप जो गुजरात अंबुजा का परफॉर्मेंस देखते हैं या इवन ACC का, उसके पीछे सिंघवी साहब ने जो सालों पहले
काम किया है उसका बहुत बड़ा हाथ है, और अब उन्होंने इस छोटी कंपनी को चुना है और वो इसको टर्न अराउंड कर रहे हैं। तो श्री दिग्विजय लगातार पिछले कई क्वार्टर से देखिए आपको बेहतरीन नतीजे पेश करता हुआ दिखाई दिया है, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा ऐसा ही लगता है। तो अब अंबुजा से शायद ये आगे निकलता हुआ भी नजर आए, अगर नतीजे के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से, मेरा कहने का मतलब है इंक्रीमेंटल ग्रोथ, कंपनी की साइज में तो जमीन आसमान का फर्क है, तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। इसलिए मिड कैप में श्री दिग्विजय सीमेंट पर दाव लगाने की राय होगी। तो इसके साथ ही मेरी टीम 10 के 10 खिलाड़ियों की पूरी होती है। नीरज बताइए क्या चुनेंगे आप? प्रदीप, जो आज की थीम है वो वैक्सीन की थीम ज्यादा बड़ी है और सीमेंट की थीम उसके बाद है, तो मैं लगता है वैक्सीन के साथ मैं जाऊंगा, पेनासिया बायो, और डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिखाएगा। जब ये पहली बार खबर आई थी कि ये काम करेंगे तो उसके बाद देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, और हमें लगता है कि ये तेज़ी अभी भी बरकरार रहेगी क्योंकि ये एक बड़ा बिजनेस है इन कंपनीज़ के लिए और जो काफ़ी समय तक चलेगा। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ वन टाइम वाली बात नहीं है, हो सकता है कि जब तक पैंडमिक रहे 2-3 राउंड आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि पेनासिया बायो के लिए ये एक बहुत गेम चेंजर है, तो यही मेरा कैप्टन चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए आपको क्या पसंद है। बिल्कुल मैं बताता हूँ, लेकिन नीरज एक बात आपको बताऊँ, देखिए सिंगापुर के ट्रेडर्स भी जो है ना वो 2020 देखते हैं। हमने जो 10-10 बल्लेबाज उतारे हैं, जब हम शो शुरू कर रहे थे तो SGX 10 पॉइंट नीचे था, अब 40 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ भी मूड बदलता हुआ आपको नजर आएगा। अब आपकी टीम से तो देखिए वैक्सीन की थीम पूरी है और आपने सारी कंपनियों पर रिसर्च कर लिया, मुझे आप ये बताइए कि मुझे तो वैक्सीन अभी लेनी बाकी है, अब नए रेजिम में मैं ले पाऊंगा, तो कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए उसके हिसाब से मैं स्टॉक तय करूंगा। देखिए मुझे भी लेनी बाकी है और मैं तो फाइजर के साथ जाऊंगा, अगर मेरे सामने ये विकल्प है तो बस फिर मैं तो डेफिनेटली फाइजर की वैक्सीन लूंगा। बिल्कुल, तो फाइजर को ही कैप्टन चॉइस बनाते हैं, जब नीरज ने अपनी टीम में से इसी स्टॉक को चुना है तो यही मेरा कैप्टन चॉइस होगा। चलिए और अब नजर डालते हैं अपनी टीमों पे। दोनों टीमें जो आज आपके सामने हैं, भले ही एशियन मार्केट्स का रुख साफ ना हो लेकिन हमने 10 के 10 बल्लेबाज चुने हैं दोनों ही टीमों में। तो मेरी टीम सबसे पहले पेनेशिया बायोटेक के साथ शुरुआत, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन को लिबरलाइज किया गया है तीसरे फेज में, पेनेशिया बायोटेक, ग्लैंड फार्मा, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो स्पुतनिक वी पर ऑलरेडी काम कर रही हैं, बना रही हैं और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सन्नद्ध हैं। लेकिन कैपेसिटी बढ़ाने की जो सबसे पूरी तैयारी है वो है औरोबिंदो फार्मा की, और जून तक इनका एक्सपेंडेड कैपेसिटी भी इस्तेमाल में आनी शुरू हो जाएगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि हालांकि अभी तक ये कोविड वैक्सीन नहीं बना रही, इनकी वैक्सीन बाजार में नहीं है, लेकिन आगे ये टाइप्स करके इस कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट को चुना है क्योंकि 550 से 400 तक की गिरावट इसी वजह से आई है क्योंकि कोविड फैल रहा है। अब अगर वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेज होगा तो इस स्टॉक के लिए भी बॉटम ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए ये उम्मीद। और नजारा टेक्नोलॉजीज़, इस वक्त तो लोग खैर घरों में गेम खेल रहे हैं लेकिन ओवरऑल काफ़ी तेज़ी के साथ जो गेमिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। लिस्टिंग के वक्त 2100 के आसपास था, अब बाजार की गिरावट के साथ नीचे आया है। बोरोसिल रिन्यूएबल होगा अगला स्टॉक जिसने कल ही एक्सपेंशन प्लान की घोषणा की है, और ये स्टॉक भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। तो जिस तरह से ये सर्किट लगाते हुए दिखता था क्योंकि भारी डिमांड थी, अब आपको बाजार में आसानी से अवेलेबल है और काफ़ी बेहतर रिस्क रिवॉर्ड पे। आखिर के स्टॉक्स पे सीमेंट की थीम है क्योंकि जिस तरह के शानदार नतीजे ACC के आए हैं उसके बाद मिड कैप कंपनियां भी बेहतरीन नतीजे पेश करेंगी ये उम्मीद। तो सांगी इंडस्ट्रीज जिसने पिछले क्वार्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था और गुजरात के मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड पकड़ रखती है, इंडिया सीमेंट जो राधाकिशन दमानी साहब का पसंदीदा स्टॉक है, स्टार सीमेंट एक मिड कैप कंपनी सीमेंट सेक्टर में जो डेट फ्री है, और श्री दिग्विजय सीमेंट जहां पर मैनेजमेंट बदलाव के बाद से जबरदस्त टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। तो यह है मेरी टीम नीरज। बिल्कुल खैदाई भाई, फोकस और शुरुआत के 6 स्टॉक्स इसी बात के लिए हैं कि वैक्सीनेशन को जो इतनी इजाजत मिली है उसमें कैडिला हेल्थ केयर है, एस्ट्राजेनेका, डॉक्टर रेड्डी, स्ट्राइड्स फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर, डिपेंडेबल के तौर पे फाइजर, ये सारी कंपनियां हैं जिनको वैक्सीन की दिशा में जो कदम लिए गए उसका फ़ायदा मिलेगा। और इसके बाद है सीमेंट की थीम, ACC के बहुत ही दमदार नतीजे आए हैं और लीडर के नतीजों के बाद फिर पूरे सेक्टर में रौनक देखने को मिलती है, इसलिए अंबुजा, उदयपुर सीमेंट और बिरला सीमेंट को भी, बिरला कॉर्प को शामिल किया क्योंकि सीमेंट की फंडामेंटल स्टोरी के साथ साथ नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह ग्रोथ आगे भी जारी रहने वाली है, तो इसमें खरीदारी की सलाह है।